यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं क्राफ्टर एमसी हाईपिक्सल स्काईब्लॉक के एपिसोड नंबर 55 पर। तो पिछले वाले एपिसोड में मैं आपको बताया था ना कि कैसे फ्री का जेम्स वगैरह आप ले सकते हैं। सो इस वाले एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ एसेसरी बैग के ऊपर। गाइस यहाँ पर एसेसरी बैग की बात करें तो आपको स्काईब्लॉक मेनू के अंदर ये रहा गाइस एसेसरी बैग। यहाँ गाइस आप बहुत सारे रियर आइटम को जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि ये आइटम आपको हर समय इन्वेंट्री पर रखना होता है, और अगर आप नॉर्मल इन्वेंट्री पर रखते हो तो आपका गाइस स्पेस फुल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है सी ऑफ द ओशियंस, अगर मैं ये हमेशा साथ में रखता हूँ तो कोई भी ज़ॉम्बी वगैरह को मारूंगा ना तो मुझे हर एक ज़ॉम्बी पर 25 कॉइन टोटल गाइस 26 कॉइन जो है वो देखने को मिलेंगे। ऐसे गाइस मैं यहाँ पर टेलिस्मैन के बारे में भी आपको बताया था, फायर टेलिस्मैन और लावा टेलिस्मैन। उस समय गाइस मैं ओनली लावा टेलिस्मैन दो दिन पहले बनाया था तो मुझे डैमेज हो रहा था, लेकिन अगर मैं ये दोनों टेलिस्मैन गाइस रखता हूँ इन्वेंट्री पर तो मुझे डैमेज नहीं होता है। इसके बाद एक और है गाइस, यहाँ पर ये देख सकते हैं कैंप फायर, ये एक बेस होता है। ये बेस को आप जैसे जैसे अपग्रेड करते हो वैसे वैसे ये जो हम लोग कभी भी गिरते हैं या फिर ज़ॉम्बी वगैरह डैमेज देते हैं तो हेल्थ जो है वो रिकवर होता है, वो गाइस काफ़ी ज़्यादा स्पीड से होता है। तो इसे गाइस अपग्रेड करना होता है, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी गाइस मैं बता दूंगा। ओके, तो इस वाले वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं एसेसरी बैग कैसे अनलॉक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे न्यू होते हैं और उनको गाइस पता नहीं होता है। तो गाइज ये जो मेरे पीछे ये जो आप मिनियन देख रहे हो ना रेड स्टोन, ये गाइज आपको अनलॉक करके देगा। अगर आपका अनलॉक नहीं है, मान लो आपके पास मिनियन नहीं है, तो आप जाके गाइज मैनुअली रेड स्टोन कलेक्ट कर सकते हो। अब गाइज बहुत सारे बंदे ये भी पूछेंगे गाइज कि मैं कैंप पर गया था, मुझे रेड स्टोन वगैरह देखने को नहीं मिला, बट कोई बात नहीं गाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा कलेक्शन दिखाता हूँ रेड स्टोन का। तो यहाँ पर गाइज माइनिंग पर मैं जाता हूँ, इसके बाद रेड स्टोन पर, तो लेवल वन पर देख लो ये रेड स्टोन है। इसके बाद जैसे हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो 250 अगर हम लोग रेड स्टोन कलेक्ट करते हैं तो 3 स्लॉट का हम लोगों का फर्स्ट एसेसरी बैग यहां पर अनलॉक होता है। यानी कि आप रेड स्टोन 250 कलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एसेसरी बैग अनलॉक हो जाएगा। ऐसे गाइस आप नेक्स्ट करना, ठीक है। इसके बाद गाइस आता है यहाँ पर 5000 अगर आप कलेक्ट करते हो तो 9 स्लॉट अनलॉक हो जाएगा। फिर गाइस ऐसे ही नेक्स्ट करोगे, इसके बाद आता है ये है 15 स्लॉट का, 50000 पर ये अनलॉक होगा। ऐसे 21 स्लॉट, 27 स्लॉट देख लो 400000 पर अनलॉक होगा। फिर 33 स्लॉट, 39 स्लॉट, तो यहाँ पर लास्ट जो आता है वो गाइस यहाँ पर ये रहा 57 स्लॉट का आता है। वेल गाइज अब ना हम लोग जाने वाले हैं, अगर आप न्यू बंदे हो तो रेड स्टोन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो सिंपल गाइज आपको स्काईब्लॉक का मेनू यूज़ करना है, फास्ट ट्रेवल करना है, विलेज पर जाना है, सॉरी विलेज नहीं, यहाँ पर डीप वाला ये जो केव है इसके अंदर जाना है, फिर नॉर्मल जो फर्स्ट गेट होता है वहाँ पर हम लोग जाते हैं। फिर गाइज गेट कीपर से बात करके गाइज हम जाने वाले हैं क्रिस्टल वाले केव के अंदर। तो यहाँ गाइज हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब गाइज ना मैं जल्दी से जाता हूँ गेट कीपर के सामने, क्योंकि गेट कीपर ही हमें अभी टेलीपोर्ट करने वाला है। तो ये जो गेट कीपर है यहाँ गाइज हम लोग जस्ट क्लिक करेंगे, ओके। ओ भाई थोड़ा सा आगे हो जा, ठीक है। अब गाइज हम लोग जाने वाले हैं क्रिस्टल वाले केव के अंदर। गाइज यहाँ पर कहाँ कहाँ आपको रेडस्टोन मिलेगा, देखो गाइज थोड़ा सा रियर होता है, ज़रूर होता है, आपको मेहनत करना होगा। लेकिन गाइज अगर आप क्राफ्टर एमसी में ग्राइंड नहीं करते हो तो फिर गाइज आप नहीं खेलने सकोगे, ओके। तो हम लोग आ चुके हैं क्रिस्टल वाले केव के अंदर। यहाँ गाइज क्या क्या मिलेगा, वेल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर अगेन मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ गाइज लैपिस मिलेगा, रेडस्टोन मिलेगा, फिर ब्राउन मशरूम, रेड मशरूम दोनों मिल जाएगा, फिर लैपिस का आर्मर पूरा सेट मिलेगा, साथ ही साथ गाइज रेडस्टोन का भी पूरा सेट मिलेगा। ये जो जॉम्बी है ना, हरे लाल वाले ये जो जॉम्बी दिख रहे हैं ना, इनको बस डिफेंडर वाले को इनको मारना है। जॉम्बी बोलो, मिनियन बोलो, जॉम्बी बोलो, ठीक है, इनको आप मारते हो तो ये बदले में ड्रॉप करते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा रियर होता है। तो गाइज आपको जो है वो ध्यान से करना पड़ता है। बाकी यहाँ पर अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं गाइज रेडस्टोन, चारों तरफ गाइज हमें लैपिस ही लैपिस देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम लोग यहाँ पर ना रेड स्टोन ढूंढ के ही रहेंगे, कहीं ना कहीं गाइस हमें रेड स्टोन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
गाइस कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप सामने से जाओगे और बहुत सारे बंदे कलेक्ट करते रहते, तो इस वजह से गाइस आपको कभी कभी ऐसे भी लगता है कि रेड स्टोन नहीं मिल रहा है। तो देखो गाइस, बहुत कम मात्रा में जो है वो रेड स्टोन स्पॉन होते हैं, और इस वजह से बहुत सारे बंदे जो हैं वो कलेक्ट करके ले जाते हैं, और आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर रेड स्टोन मिलता ही नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है, रेड स्टोन मिलता है, लेकिन हाँ बहुत कम मात्रा में रेड स्टोन मिलता है। तो कोई बात नहीं, अभी तक हम लोग रेड स्टोन नहीं पाए हैं यहाँ गाइस, मैं फिर से यहाँ पर ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं तो हमें गाइस रेड स्टोन मिलेगा ही मिलेगा। तो देख सकते हैं गाइस, मुझे यहाँ पर रेड स्टोन अभी जस्ट एक मिला था, लेकिन एक बंदा जो है वो ऊपर से कलेक्ट करके ले गया, यहीं पर एक जस्ट था। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर हम लोग और ढूंढते हैं गाइस, कहीं ना कहीं और हमें देखने को मिलेगा। ये रहा गाइस, मुझे यहाँ पर फाइनली रेडस्टोन मिल गया। ज़्यादातर देखना रेडस्टोन जो है वो ऊपर में स्पॉन होते हैं, बहुत सारे बंदे को पता होता है, और इस वजह से वो गाइस रेडस्टोन जो है वो ले लेते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर हम लोगों के पास एक रेडस्टोन मिल गया है। तो देख सकते गाइस, मैं एक बार में 8 कलेक्ट कर लिया, मुझे 8 रेडस्टोन मिल गया। ऐसे गाइस आपको कलेक्ट करना है, और ध्यान देना गाइस रेडस्टोन कोई उठा ना ले, क्योंकि गाइस रेडस्टोन थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है। लेकिन गाइस एक बार आपका रेडस्टोन मिनियन बन गया, इसके बाद गाइस मिनियन से ही ना आप रेडस्टोन ले लेना, क्योंकि कलेक्ट करना गाइस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है भाई। देखो समय जो है वो काफ़ी वेस्ट होता है, तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपका मिनियन अनलॉक नहीं है तब तक तो गाइस आपको ऐसे ही रेडस्टोन वगैरह जो है वो देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, तभी जाके ना आप यहाँ पर रेडस्टोन पा सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर रेडस्टोन इतना ही ढूंढते हैं गाइस, क्योंकि ये रहा गाइस यहाँ पर एक और हमें सामने में ही रेडस्टोन जो है वो देखने को मिल चुका है। तो अब गाइस मैं जल्दी से टेलीपोर्ट होता हूँ अपने आइलैंड के अंदर, सिंपल फास्ट ट्रेवल यूज किया। इसके बाद यहाँ पर सर्वर थोड़ा सा लेग हो रहा है, कभी कभी माइंड के अंदर लेग होता है, और देखो गाइस कुछ अपडेट आएगा, लेग वगैरह फिक्स होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो गाइस आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। सो यस गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने 17 रेडस्टोन कलेक्ट कर लिया। ऐसे करते करते आप मिनियन वगैरह अनलॉक कर लेना, और ऐसे गाइस मिनियन ही आपको फिर अनलॉक करके देगा, अगर आप मन किया तो माइन करने जाना, वरना गाइस मिनियन काम करते रहेगा। और बहुत सारे बंदे ये भी मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि जो मेरा डेली का रेगुलर वाला वीडियो आता था क्राफ्टर वाला, जो मैं एपिसोड वगैरह बनाता था ग्राइंड करके, वो मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो देखो गाइस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, अभी भी मैं थोड़ा सा जो है कुछ बिजी हूँ, इस वजह से गाइस मैं बस अभी के लिए सोच रहा हूँ ना कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो बनाते रहूँ, ताकि जो भी बंदे न्यू हैं, बहुत सारे बंदे न्यू, बंदे को ढेर सारा ग्राइंड करना पड़ता है, तो थोड़ा गाइस उनको आइडिया हो जाएगा कि गाइस मुझे क्या क्या करना चाहिए, या फिर गाइस क्या करूँगा, या फिर कहाँ से मुझे जल्दी से कुछ भी आइटम वगैरह जो है वो मिल सके। ओके, सो चलो गाइस मिलते हैं इस तरह के और भी मस्त वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। अभी के लिए गाइस गुड बाय एंड लव यू ऑल।